बिहार पुलिस फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। बिहार के गया से एक दसवीं की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और बेटी के साथ ये घिनौना हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि पतलुक्का थाने के चौकीदार का पुत्र है। जब बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिसकर्मियों ने भी उसे शांत रहने की नसीहत दे डाली और शांत न रहने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत धनगाइन थाने के पतलुक्का गांव के पहाड़ी पर एक नाबालिग बच्ची अपनी बहन की शादी और परिवार की इज्जत के लिए आत्महत्या करने के लिए चढ़ ही रही थी कि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। दरअसल पतलुक्का गांव की रहने वाली एक छात्रा के साथ पतलुक्का थाने के चौकीदार विजय पासवान के बेटे ने बलात्कार किया था और उसके दोस्तों ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर लेने की ठान ली। अत्याचार की इंतहा तो तब हो गई जब इस पूरी घटना की शिकायत उसके परिजनों ने स्थानीय थाने में दर्ज कराने की कोशिश की। आपको बता दें, छात्रा की शिकायत पर थानेदार ने उल्टी छात्रा को ही धमकी दे डाली कि इस बात की खबर किसी और को ना बताए और इसके बाद छात्रा के साथ मारपीट भी की गई। लमसम 7 बजे हम बच्ची का मौसा होते हैं तो हमने पतलुक्का के लिए चल चुके। पतलुक्का जब गए तो देखे रूम में ताला लगा हुआ है तो हम लोग से पूछे कि भाई कहाँ गए लोग, तो थाना में बच्ची पकड़ाई हुई। थाना पर गए, बड़ा उससे हम संपर्क किए, बड़ा भी हमसे पूछे कि आप कौन होते हैं। हम बोले हम लड़की के मौसा होते हैं, हमारे ही भाई एक SI हैं जो अभी पटना में स्थापित है CID इंस्पेक्टर में, जयराम सिंह। तो ठीक है, बच्ची अभी अंदर में है। बच्ची जब बाहर लमसम लगता है 12:30-1 बजे लमसम मुझे छोड़े, तो बच्ची से हमने पूछा तो बच्ची बताई कि मौसा अंदर में हमको बहुत मारा, चाकू दिखाया, बोला किसी का अगर नाम ले तू तो तुमको जान से मार देंगे, किसी को नाम तुमको बताना नहीं है। किन के द्वारा किया गया, कौन हुआ? तो थाना प्रभारी हैं। अच्छा, क्या कारण क्या है? कौन थाना के? धनगाई थाना। अच्छा अच्छा अंगद पासवान प्रभारी हैं। हमसे पर्चे पूछे आप कौन होते हैं, क्योंकि बच्ची के हम मौसा होते हैं। फिर हम बच्ची से पूछा कि भाई इतना लेट क्यों हुआ, तो मौसा हमको अंदर में रूम में बंद करके बहुत मारे हैं। हम क्यों मारे तो किसी को बताना नहीं, ये बात जो तुम्हारे साथ ये लोग घटना किया है किसी को नहीं बताना। उस वक्त पासवान जो चौकीदार हैं उसी गांव के, जो लड़का रेप किया है बच्ची के साथ उसी थाना में पता था कि चौकीदार हैं, उसी के लड़का जो बलात्कार किया। कब की घटना है? कब हुई थी? आपको 20 तारीख है। परिजन छात्रा के मौसा ने बताया कि थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने गए तो हमें धमकी दी गई कि अगर इसकी शिकायत किसी से भी की तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ छात्रा के साथ मारपीट भी की गई। और एक ही बनवा और वो लड़का वो छोटका सब, और हमको बोला कि कल तो हम बोले जाओ तुम्हारा खेत है, तो बीकू सिंह तरफ देखने लगा और बीकू सिंह ऐसा सब उधर नीचे ढल गया और हम जब नीचे ढले तो चौकीदार के बेटा आके और मुड़िया झोंकुड़िया पकड़ के पटक दिया और क्या किया और उन लोग चढ़ के ऊंचका पर ऊंचा देखा था सहा और वीडियो मेरा करने लगा और जब गलत काम भी किया, गलत काम करके हमको वीडियो करा था। जब हम हिम्मत करके उठे तो बोला कि उस लड़का को कि तुम टेंशन ना लो, तुमको कुछ ना करेगी और उस और हमको कहा कि तुम किसी को बताएगी तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। जी और क्या हुआ? तो फिर हम बोले कि हम भाई हम अपने घर में बोल देंगे, तो बोला कि तू घर में बोलेगी तुमको ICB देखेगा, वीडियो वायरल कर देंगे तो तुम्हारे घर वाला देख के तुमको जान से मार देगा। कहा कि हम बोले कि ना हम बोल देंगे घर, तो बोला तेरे भाई के जान से मरवा देंगे, तो जो तुम्हारे साथ किए तुम्हारी बहन के साथ करेंगे। तुमको भी धमकी दिया था? हमको धमकी दिया था। कौन लोग हैं वो?
क्या नाम है उसका? मेरे गांव का ही लड़का लोहेल। क्या नाम है जो मेरे साथ गलत किया? उसका नाम है विकास। और फिर वीडियो बना रहा था उसका, वीडियो बनाए थे। एगो के नाम है बिकू सिंह और एगो सरवन और एगो कोची तो नाम कुछ। अच्छा, जो रेप गलत तुम्हारे साथ जो किया है वो किसका बेटा है? चौकीदार के बेटा है। थाना वाना में गई थी? हाँ। क्या बोला थाना में? थाना नहीं गए थे, छिपा गई थी। हमको बोला था कि तुमको भैया के जान से मरवा देंगे तो हम डर से ना गए थे। आज कहाँ आई हो तुम? थाना में। किनके पास आई हो? थाना में। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसके परिवार की इज्जत, बहन की आबरू और भाई के प्राण की रक्षा के लिए उसने पहाड़ी पर चढ़कर ब्लेड से अपनी नसों को काटने और उसके बाद पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या की सोची थी, लेकिन पहाड़ी पर जाते हुए छात्रा को किसी ने देख लिया और उसे लोगों ने बचा लिया। अब देखना ये होगा कि पीड़ित छात्रा को न्याय मिल पाता है या नहीं। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।